Good morning, students. Today we have the lecture number 2 of CSS series, how to prepare our plan for CSS exam. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि CSS एग्जाम में जो जाना चाहता है या एग्जाम्स देना चाहता है तो वो एग्जामिनेशन की जो है वो प्रिपरेशन कैसे स्टूडेंट करें. तो वो मैं आज आपको जो है कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स और कुछ गाइडलाइंस से वो बताऊंगा. अगर वो आप कैरी करेंगे तो इंशाल्लाह 80-90% जो है आपके चांसेस हैं सीएसएस में जो है वो सक्सेस हासिल करने के. तो आज दूसरा लेक्चर है. पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीएसएस होती क्या है, तो वो सारी उसके सीएसएस के बारे में जो है मैंने इंफॉर्मेशन दी थी. आज सीएसएस एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन कैसे करते हैं एग्जाम की वो बताऊंगा इस लेक्चर में. तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. यू कैन नॉट रीड ऑल द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स नॉर यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग यू हैव रीड इन द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर योर सीएसएस एग्जामिनेशन. तो सीएसएस एग्जामिनेशन जो है वो एक ट्रिकी एक एनालिटिकल एग्जामिनेशन है जिसके लिए स्मार्टली जो है वो प्रिपरेशन की जाती है. कोई पीएचडी की थीसिस नहीं है, कोई एमफिल की थीसिस नहीं है कि आप जो है वो थारोली जो है वो स्टडी करें. लेकिन जो स्टूडेंट स्मार्टली इस एग्जामिनेशन की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं तो उनके जो सक्सेस रेट है या रेशियो है वो ज़्यादा होता है. अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट कीप दीज गाइडलाइंस इन व्यू व्हेन मेकिंग आउट योर स्ट्रेटजी. तो ये गाइडलाइंस हैं, रोड मैप है सीएसएस एग्जाम के लिए. वो वन बाय वन करके जो है मैं आगे आपको बताऊंगा. नंबर वन, सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स. तो सबसे पहले है कि जो सीएसएस का सिलेबस है उसको रीड करें और जो जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनसे जो है आप आइडिया लें कि किस तरह जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन की नेचर क्या होती है और क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं. अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट जो है कभी पहला पार्ट देख के क्वेश्चन का जो है वो शुरू हो जाता है, जो उसके जहन में होता है लिखना शुरू हो जाता है. कभी जो है वो लास्ट वाला पार्ट देख के जो है वो लिखना शुरू हो जाता है, बीच वाले और जो पहला पार्ट होता है उसको भूल जाता है. तो उसकी वजह से जो है उसके जो है 25-30% जो है वो मार्क्स आते हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने लिखा तो बहुत है, अच्छा है, लेकिन मार्क्स कम क्यों आए. मार्क्स इसीलिए कम आए क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा जाता है, अमूमन सीएसएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो हर पार्ट को जो है क्वेश्चन के वो टैकल करना होता है तो वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए अच्छा स्कोर आता है एग्जाम में. तो इसलिए क्वेश्चन की नेचर को समझें, क्वेश्चन को समझें वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उसके लिए जो है वो लाजमन है कि आप जो है पास्ट पेपर्स को जो है वो टच जो है वो लाजमन करें और सिलेबस को देखें कि सीएसएस के सिलेबस में जो है वो आईआर में कौन सी चीज़ें हैं, सोशियोलॉजी में कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे राइटिंग में कौन सी चीज़ें हैं, कंपोजिशन में, तो वो सारा आपको जो है वो एक सिलेबस जो है वो समझ में आ जाएगा. सीएसएस इज ऑल अबाउट फोकस्ड स्टडी फॉर विच सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स प्रोवाइड एक्सीलेंट गाइडलाइंस. तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो ये वही सेम बात कह रहा है. गो थ्रू दिस टू एट लीस्ट वंस अ फोर्टनाइट टू इंश्योर यू आर नॉट रीडिंग इरेलेवेंट मटीरियल्स. तो कह रहा है कि हर 15 दिन के बाद आप जरूर जो है सिलेबस और पास्ट पेपर्स को टच करें ताकि आपको लगे कि जो मैं मटीरियल पढ़ रहा हूँ वो इरेलेवेंट नहीं है. आप रिलेवेंट जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मटेरियल भी जो है वो आपके पास रिलेवेंट है. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच अपीयर रेगुलरली इन द पास्ट पेपर्स टू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. और एग्जाम से जाने के लिए जब आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो पास्ट पेपर्स के थ्रू जो है आप कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप उनकी जो है थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आप खुद से उनको जो है वो अटेम्प्ट करें, तो आपको जो है वो आसानी रहेगी एग्जामिनेशन में.
Prepare a guess paper of your own and solve those simulated conditions for practice. तो आजकल जो है वो academies हैं या बहुत से अच्छे टीचर हैं जो नवंबर या दिसंबर में जो हैं वो सब्जेक्ट्स के जो हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस पेपर्स दे देते हैं और एग्जैक्टली गेस पेपर जो हैं 50-60% वो लगते हैं, 60% नहीं तो 50-40% तो ज़रूर लगते हैं, मतलब उनमें से कुछ ना कुछ होता है गेस पेपर में। तो आप अपना भी गेस जो है वर्कआउट करें और जो है वो अपना जो आते हैं लोगों के थ्रू या अकेडमीज के थ्रू या अच्छे टीचर जो वेल रेनाउंड हैं सीएसएस के मैदान में, तो उनके गेस वर्क जो है खास करके करंट अफेयर्स में और एसेज में तो लाजमन जो है वो लगते हैं। नंबर टू, गाइड्स एंड नोट्स, तो डू बाय देम एंड गो थ्रू देम व्हेन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। दे विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेपर, हाउएवर दीज आर जस्ट व्हाट दे से गाइड्स एंड नोट्स एंड ऑल एंड दैट्स ऑल, यू मस्ट सप्लीमेंट योर स्टडी विथ अदर रिलेवेंट मटीरियल्स। तो जो गाइड्स और नोट्स हैं वो आजकल तो पता है मार्केट में आपको वो बुक्स मिल जाती हैं पर्टिकुलर जो सीएसएस के लिए आती हैं, वो नोट्स भी होते हैं वो गाइड्स भी होते हैं, वो अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो रिलेवेंट होते हैं, वो बाहर से या एक्स्ट्रा वो मटेरियल या फजूल मटेरियल नहीं होता, लेकिन वो रिलेवेंट मटेरियल होता है ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपका बैकग्राउंड सेट करें, आपको डायरेक्शन दिखाएं। तो इन गाइड्स और नोट्स में आप 100% डिपेंड नहीं कर सकते, आप 30-40% या 50% जो है इन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, बाकी जो है आपकी जो है वो एक्स्ट्रा आपकी स्टडी है और जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं वो हैं, लेकिन ये इरेलेवेंट चीज़ नहीं है, ये भी रिलेवेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा कि सीएसएस जो है वो फोकस्ड स्टडी है, तो गाइड्स और नोट्स जो हैं वो भी आपको फोकस रहने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो ये एक सप्लीमेंट जो है वो स्टडी है या सप्लीमेंट स्टडी करने के लिए जो है आप और जो है अपने बुक्स जो हैं सजेस्टेड जो बुक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गाइड्स और नोट्स जो होते हैं ये भी 40-50% इनका रोल होता है आपको सक्सेस दिलाने में। तीसरा, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट से जो है आजकल यूट्यूब पे जो है वो रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं लेक्चर्स हैं वो आप सुन सकते हैं, आप सीएसएस के जो हैं वो जो टॉपर्स हैं या टीचर्स हैं आप उनके जो हैं वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल पढ़े हैं, वीडियोस पढ़े हैं तो वो आप देख सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक का लेक्चर जो है वो आप सुन सकते हैं। तो शुरू में 2010 से पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं जो सेल्फ स्टडी करते थे, काफ़ी स्टूडेंट्स को टीचर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बड़े बड़े जो हैं वो फीसिस देख के जो हैं वो पढ़ते थे, लेकिन आजकल यूट्यूब का ज़माना है और भी बहुत सारे जो हैं वो सर्च इंजन्स हैं तो बआसानी आपको जो है वो मटेरियल मिल सकता है। तो इंटरनेट भी जो है उसका आज के ज़माने में जो है एक अहम किरदार है आपकी प्रिपरेशन में। इंटरनेट इज़ नाउ व्हाट यूज्ड टू बी लाइब्रेरीज इन आवर डेज, देयर आर वर्चुअल लाइब्रेरीज एवरीवेयर ऑन द नेट, बट देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स, बाइस्ड व्यूज एंड सर्फिंग टेम्पटेशन। तो जहाँ पे इंटरनेट का जो है वो बेनिफिट है वहाँ पे इसके जो है 3 नुकसान भी हैं। क्या हैं कि बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप कंफ्यूज आ जाएंगे किसी भी टॉपिक के, जो टॉपिक सर्च करेंगे तो इतनी तो इंफॉर्मेशन है तो
आप जो हैं वो मेमोराइज नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। कभी कभी जो हैं वो ऐसे की या करंट अफेयर या आईआर या दूसरी चीज़ों की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इंटरनेट जो है वहाँ पे बहुत सारे बाइस्ड व्यूज़ होते हैं, तो कभी कभी ऐसे अटेम्प्ट करने करने जब आप जाते हैं और वो आपने इंटरनेट से कम्प्लीटली प्रिपरेशन की है तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। और सर्फिंग टेम्पटेशन, अवॉइड सर्फिंग व्हेन स्टडिंग द बिगेस्ट टाइम वेस्टर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, के आप जो है डिपेंडेंट रहें 100% इंटरनेट पे और आप उसको देखते जाएं, उस पे पढ़ते जाएं, उस इंटरनेट से ही जो है वो सारा मटेरियल निकालें, तो ये भी जो है एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। और जो फोकस्ड स्टडी जो मैं बार बार कह रहा हूँ CSS है, वो उससे जो है आप हट जाएंगे। एक तो आप में वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगी, आप जो है बिल्कुल उस चूहे की तरह होंगे जो पिंजरे में जो है वो भागता फिरता है, या किसी कमरे में आ जाता है तो वो कोने ढूंढता फिरता है, उसको जगह नहीं मिलती निकलने के लिए। तो आप जब स्टक हो जाते हैं एक ही चीज पे तो आपको वो रास्ता नहीं मिलता जो CSS का होता है, तो आप फिर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन जो है वो छोड़ देते हैं, कोई और काम धंधा करते हैं, या फिर जो है उसी साल नहीं बैठते और नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर पे जो है वो छोड़ देते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। फोर्थ है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये बहुत जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का जो है आपकी इंग्लिश, आपकी वोकैब, आपकी जो है वो एनालिटिकल जो एनालिसिस है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, CSS होती ही एनालिटिकल चीज है, तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। ऐसे राइटिंग में, कंपोजिशन में, इवन इस्लामियात मिल जाती है, पाकिस्तान स्टडी मिल जाती है, करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, आईआर मिल जाती है, और भी बहुत सारी जो है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उस न्यूज़पेपर और मैगजीन से जो है बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इवन आपकी राइटिंग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने से जो है वो इंग्लिश जो है आपकी रिटन इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये भी जो है 30-40% मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का जो है वो रोल है सक्सेस दिलाने में। तो अगर आप CSS प्रिपेयर कर रहे हैं, CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन को आप टच नहीं कर रहे, मींस आप जो है वो डिम लाइट में है, कि लाइट तो है लेकिन वो डिम है, ना ना आपके काम की नहीं है, लाइट भी है काम की भी नहीं है, तो ये न्यूज़पेपर जो है आपको फुल लाइट देते हैं। तो ये जो है ये लाजम मलजूम चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, दीज हैव नॉट बिकम इरेलेवेंट। यू मस्ट हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ वन गुड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड अ वीकली। डू कीप क्लिपिंग्स ऑफ रिलेवेंट आर्टिकल्स इन फाइल्स, मेक नोट्स फ्रॉम दीज मैगजीन्स एज यू विल बी डूइंग फ्रॉम द इंटरनेट। तो देखें कितना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। फिफ्थ है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। तो जैसे मैंने गाइड्स और नोट्स के बारे में बताया कि वो एक जो है वो जिनका नाम ही है गाइड्स एंड नोट्स, तो वो आपको एक डायरेक्शन दिखाते हैं, उस रास्ते पे लाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे जब आप आते हैं तो वो आप जो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उसका जो एक कम से कम एक बुक जो है वो लाजमन जो है आप स्टडी करें। अच्छा कोई बुक, अच्छे आथर का बुक जो CSS बेस्ड हो, आप जो हैं वो टीचर्स से पूछें, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट CSS की उससे पूछें, या जो सक्सेसफुल हो गए हैं जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक बुक जो है वो लाजमन जो है A to Z वो पढ़ें, और उसके अलावा गाइड्स और नोट्स पढ़ें, तो आपकी प्रिपरेशन 90% हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड आर टेक्स्ट बुक्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट अ सब्जेक्ट। यू मस्ट थॉरली रीड टू बुक्स आउट ऑफ ऑल द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो बुक्स जो हैं वो बता रहा है, तो मैंने आपको कंसेशन दी है कि कम से कम एक बुक प्रिस्क्राइब बुक किसी भी सब्जेक्ट का
वो लाजमन पढ़ें ए टू जी, तो फिर भी जो सक्सेस रेशो जो है, आपका रेट है सक्सेस रेट, वो बढ़ जाता है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाउ एयर बाय देयर न्यू एडिशन इफ पब्लिश्ड, आल्सो बाय वन आर टू रिलेवेंट बुक्स व्हिच हैव नॉट बीन लिस्टेड एज सजेस्टेड रीडिंग। तो ये लंबी जो है वो रेस रेस का जो है वो घोड़ा हो जाता है कि आप दो बुक्स पढ़ें, फिर उसके बाद दो बुक्स जो हैं और सजेस्ट रीडिंग में एक्स्ट्रा। तो ये उनके लिए होता है जो 3 से 4 साल जो है वो CSS की प्रिपरेशन करें, और जो है वो अंडर 10 जो है या टॉपर्स में जो है उसका सोचें। तो इतनी इतनी तो प्रिपरेशन तो कोई एक या दो या तीन बंदा कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो हर किसी के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट का जो बुक है प्रिस्क्राइब वो लाजमन पढ़ें, तो फिर भी जो है आप सक्सेसफुल जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, वो थी कि कौन सी क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब वो कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं कि स्टडी कैसे करें। ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि आपके पास इंटरनेट भी है, प्रिस्क्राइब बुक भी है, न्यूज़पेपर्स भी हैं, इंटरनेट भी है, गाइड्स एंड नोट्स भी हैं, और उसके बाद जो है आपके पास सिलेबस और पास्ट पेपर्स भी हैं, ये आपके पास है। लेकिन उनको पढ़ें कैसे, वो ट्रिक्स और टेक्निक्स कौन सी हैं, तो आए मैं आपको बताता हूँ। एवरी वन हैज हिज आर हर ओन वे ऑफ स्टडिंग एंड शुड नॉट बी अबेंडन्ड सिंपली फॉर द रीजन दैट समवन एल्स डिड वेल बाय यूजिंग अ डिफरेंट स्टाइल। तो स्टडी करने का हर किसी का अपना तरीका है, तो आप ये फ्रस्ट्रेशन में ना रहें कि कोई बंदा जो है इतने घंटे पढ़ रहा है, कोई बंदे की जो है ऐसी तैयारी है तो वो 100% पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में वो बंदे भी देखे हैं कि जो 18 से 20 घंटे पढ़ते थे वो एग्जाम में पास नहीं हुए, इवन रिटन में पास नहीं हुए। और मैंने वो बंदे भी देखे हैं जो कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ते थे, 1-2 घंटे डिस्कशन करते थे कैंटीन पे बैठ के, पार्क में बैठ के, या लेक्चर देख के, तो वो सक्सेसफुल हो गए एग्जामिनेशन में, और उनका रेशियो भी जो है, उनके जो है वो परसेंटेज भी जो है वो अच्छी आई। तो ये है CSS। तो इसलिए हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो जो आपका स्टाइल है स्टडी करने का उसी को स्टिक करें, वही एडॉप्ट करें। दूसरों को देख के जो है वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी चाल भी भूल गया, तो वो ना हो, जो आपको बेहतर लगे, इजी लगे तरीका, वो एडॉप्ट करें। सक्सेस और फेलियर इन एग्जामिनेशन इज अ कम्प्लेक्स इशू डिपेंडिंग अपॉन सेवरल कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो जो सक्सेस और फेलियर होता है एग्जामिनेशन में वो एक कम्प्लेक्स इशू है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स पे। हैविंग सेड दैट, हियर आई एम रिप्रोड्यूसिंग बिलो द मेथड मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स यूज थ्रू आउट देयर एकेडमिक कैरियर फॉर प्रिपेयरिंग देम सेल्वेस फॉर द एग्जामिनेशन। गो थ्रू इट एंड इफ यू लाइक एनी आइडिया गिव इट अ ट्राई। तो मैं ने जो मेथोडोलॉजी रिप्रोड्यूस की है आप लोगों के लिए, और जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जो ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज की हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो आज मैं आपको जो है अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं। नंबर 1, रीडिंग एंड हाईलाइटिंग। डिपेंडिंग अपॉन योर रिटेंशन पावर, लेस देन 25% कैन बी रिट्रीव्ड इफ यू जस्ट स्टडी अ टेक्स्ट। हाउएवर, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्रीजिंग दिस टू मोर देन 40%। तो ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी इंसान है, अगर कोई रीडिंग पढ़ता है, कोई टॉपिक पढ़ता है, कोई बुक पढ़ता है, तो उसको जो याद रहता है वो 20%। सपोज करें अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है उसको मैं याद रखता हूँ, रिटेंड करता हूँ, रिटेंशन जो है वो मेरी पावर जो है वो हर इंसान की जो है
वो ये अब जो है वो बहुत सारी स्टडीज और सर्वे ने कहा है कि इंसान जो है किसी भी रीडिंग या बुक का जो है वो 25% जो है वो याद रखता है, बाकी 75% जो है वो भूल जाता है आफ्टर रीडिंग अ बुक आर एनी रीडिंग। लेकिन जब आप हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो वो जो रिटेंशन पावर है आपकी वो 40% हो जाती है, मतलब आप 40% जो है उस बुक को याद रखते हैं या उस रीडिंग को याद रखते हैं जब आप उसको हाईलाइट करते हैं। बी वेरी सिलेक्टिव इन योर हाईलाइटिंग एज टू मच ऑफ द अंडरलाइनिंग विल डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ एक्सरसाइज। तो आप जो है सिलेक्टिव रहें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं रीडिंग या नोट्स में, उनको जो है आप हाईलाइट करें। हर चीज को हाईलाइट ना करें, ऐसा नहीं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप भूल जाएं और जो इरेलेवेंट चीजें हैं वो आपको याद रह जाएं, तो ये भी जो है बाद में जो है वो काउंट करती है अनसक्सेसफुल चीजों में। डू नॉट अंडरटेक दिस एक्टिविटी इन द फर्स्ट रीडिंग, रादर डू इट व्हेन री रीडिंग द सेम। तो बेस्ट वे ये है कि जब आप रीडिंग पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो आप उसको ओवरव्यू दे दें, आप वो थारोली पढ़ जाएं, आप फिलहाल उसको जो है वो हाईलाइट ना करें। लेकिन हाईलाइट तब करें जब आप उसको री रीडिंग कर रहे हो। एक मर्तबा तो आपने वो बुक पढ़ ली या आपने वो रीडिंग नोट्स मटेरियल पढ़ लिया थारोली, तो 25% जो है आपके जहन में आ गया। लेकिन जब आप दोबारा उसको गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उसको हाईलाइट करें, तो 20% वो 40%, ये जो है आपके मिला के 65% हो जाएगी। और 65% जो है बहुत ज्यादा होती है, सक्सेस रेशियो है CSS में तो 50-60% जो है वो सक्सेस रेशियो होता है। तो ये 65% जो है वो रेशियो आपको दे देता है जब आप री रीड करते हैं और हाईलाइट करते हैं। रूल ऑफ थंब, डू हाईलाइट द फर्स्ट, द मिडिल एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो ये कुछ रूल है कि आप कैसे जो है वो हाईलाइट करें। तो इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा, वो जो है जो स्टडी कर रहा है उसकी मेथोडोलॉजी पे मैं जो है वो छोड़ देता हूँ कि वो हर कोई अपने हिसाब से करें। नंबर टू इज समराइजिंग एंड नोट टेकिंग। तो दूसरा जिसमें 40-60% जो है वो चांसेस होते हैं, वो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समराइज करें या उसके नोट्स जो हैं बनाएं, ताकि जो लास्ट नाइट होती है पेपर की उसमें आप पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते, दोबारा उसको रिपीट तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक दिन में दो सब्जेक्ट्स के पेपर होता है, दो पेपर होते हैं आपके, तो आप दोनों पेपर जिसको आपने 6 महीने 1 साल 1.5 साल जो है वो लगाया है, तो उस रात को जो है आप कैसे जो है उसकी रिवीजन करें। तो रिवीजन में आपको जो हेल्प आउट चीज करती है वो जो आपने नोट्स बनाए होते हैं, शार्ट नोट्स, या वो जो समराइज चीजें की होती हैं, वो आपको जो पेपर से पहले जो है बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि याद ही वही चीजें जाकर रहती हैं। क्योंकि जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं या 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो आपके जहन में जो है वो एक मिक्सचर बन जाता है। तो उस मिक्सचर को फिर वन बाय वन एवरी नाइट जो 2 पेपर होते हैं वो आप निकालते हैं, उसमें आपको 40-60% जो आपको सक्सेस देते हैं वो आपके नोट टेकिंग और समराइज, जो चीज़ें आप समराइज की होती हैं, नोट्स बनाए होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इफ़ हाईलाइटिंग इंक्रीजेज द रिटेंशन एंड रिट्रीवल बाय 40, देन प्रिपेयरिंग नोट्स ऑफ टेक्स्ट विल इंक्रीज इट स्टिल फर्दर टू 60। तो यहाँ पे देखें कि जब आप चीज़ें हाईलाइट करते हैं तो वो आपको 40% जो है वो सक्सेस देती है, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं या समराइज चीजें करते हैं तो वो आपको सक्सेस रेशियो जो है परसेंटेज वो 60% देता है। समराइजिंग एंड नोट टेकिंग शुड बी डन आफ्टर एटलीस्ट अ थर्ड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय एडिशनल रीडिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्या ये एक बेस्ट तरीका है कि पहली रीडिंग जो है वो आप थारोली किसी बुक की
या नोट्स की कर जाएं। दूसरी रीडिंग में आप जो हैं वो हाईलाइट करें चीज़ें। जब तीसरी रीडिंग करें तो उसमें आप नोट्स ले लें या उसको समराइज करें। तो उससे क्या है कि आपके एक तो राइटिंग पावर बढ़ता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो जहन में बैठ जाती हैं। और जिस रात जिन टू दो पेपर्स का जो है सुबह में एग्जामिनेशन होता है, तो आप इन नोट्स के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। तो ये जो है एक बेस्ट तरीका है, 60% जो है आपको चांसेस होते हैं पास करने के। सेल्फ लेक्चरिंग एंड टीचिंग, ये जो है बेस्ट तरीका है CSS के लिए। बेस्ट तरीका, बेस्ट में यूज कर रहा हूँ लव्स, क्योंकि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमन होता है, क्योंकि ये रट्टे की गेम नहीं। CSS जो है वो रट्टे की गेम नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप जो है वो उसी टॉपिक का आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप एग्जाम वाले रात को जो है वो 8 बजे सो जाएं, सुबह उठ के जो चले जाएं, फिर भी आप पेपर जो है वो पास कर लेंगे। अगर आपने ये तरीका सेल्फ लेक्चरिंग एंड टीचिंग की है, तो आप ये करें कि कोई भी टॉपिक जो है आप पढ़ के आ जाएं, तो जो CSS की तैयारी करते हैं दोस्त, उनके साथ बैठें, उस टॉपिक पे डिस्कशन करें, या दूसरे दोस्तों को आप पढ़ाएं। जब आप चीज़ें पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो आपके जहन में बैठ जाता है, कभी नहीं निकलता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाता है उसी टॉपिक के। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर हैं CSS में, यही तरीका यूज़ करते हैं कि वो खुद पढ़ते हैं, पहले तो सेल्फ लेक्चरिंग करते हैं, उसके बाद जो है फिर दोस्तों को, दूसरे लोगों को जाके पढ़ाते हैं। पढ़ाने से क्या है, वो 100% जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है किसी भी टॉपिक का। तो एक्सीलेंट वे ऑफ रिमेम्बरिंग अ टेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव रीड टू योर कोलीग्स। इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर लर्निंग एंड रिटेंशन, बट विल ऑल्सो इंक्रीज योर नॉलेज बेस वेन योर कोलीग इन टर्न टीचेज यू वट दे हैव लर्न। इफ नो कोलीग्स आर अवेलेबल देन ट्राई टू लेक्चर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये तो ओल्ड तरीका हो गया कि मिरर के सामने खड़े होके आप लेक्चर दें। आजकल हर जब आप CSS की तैयारी करते हैं, तो किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, किसी एकेडमी में जाते हैं, या दोस्तों के साथ जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि सबका मोटिव यही होता है कि CSS एग्जाम देते हैं, तो वो बहुत सारी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें शेयर होती हैं। तो एक दूसरे को पढ़ाएं आप, कि कोई भी टॉपिक उठाएं और दोस्तों को बताएं, फिर जो है कि 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, वन बाय वन करके जो है सब दोस्तों का जो है कहें कि वो भी अपने अपने टॉपिक पे लेक्चर दें, तो वो टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, आपको परेशानी भी नहीं होगी, और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है एक्रोनाइम्स मैकिंग। तो ये जो है एब्रिविएशन बनाना। अगर बहुत सारा कोई बड़ा लफ्ज़ है, कोई कोई वर्ड है आपको याद, कोई टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद नहीं हो रही, या वो उसका सीक्वेंस याद नहीं हो रहा, तो आप उसको अपनी एब्रिविएशन बनाएं। सपोज जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होती, तो आप नेटो उसको कर लें। इसी तरह अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों के जो हैं वो एब्रीवेशंस बनाएं, ताकि वो उनकी जो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है बुक्स में। कभी कभी ये होता है कि हम जो है वो टर्मिनोलॉजीज याद करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनकी सीक्वेंस हम भूल जाते हैं। तो वो सीक्वेंस आप ना भूलें, तो वो उनके शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीवेशंस बना लें। जब आप एब्रीवेशन बनाते हैं, तो वो आप कभी भी नहीं फिर भूलते, और CSS में भी जो है उनकी सीक्वेंस जो है आप सही जो है वो लिखते हैं, तो इस तरह जो है सक्सेस रेशो ज़्यादा हो जाता है, आपका चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रेमवर्क एनालिसिस,
framework analysis is the technique of using one framework in different subjects for understanding, also for remembering complex issues. All subjects are now becoming multidisciplinary as they use the terms and analytical framework of one another with suitable adaption. So, this framework analysis is that I have told you before that CSS is analytical papers. खुद जो है आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है आंसर, ऐसा नहीं कि रटाफिकेशन हो कि व्हाट इज जो है वो व्हाट इज स्टेट तो आप उसके बारे में लिखें, व्हाट इज सोलर सिस्टम आप उसके बारे में लिखें, इस तरह नहीं होता. वो क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एक एनालिटिकल पावर आ जाता है. अगर आपकी रिटन इंग्लिश अच्छी है, आप जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो इंग्लिश लिख सकते हैं, तो वो आपका एक एनालिटिकल पावर जो है वो आपका बढ़ जाता है. तो इस तरह जो है आपका एक एनालिटिकल पावर किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए जो है एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो बन जाता है. तो अपने हिसाब से अपनी जो है वो स्टडी मेथोडोलॉजी से जो है आप वो क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है. हैंड रिटन नोट्स जो है वही पिछले वाली चीज़ हो गई कि जो शॉर्ट नोट्स बनाना या समराइज करना, तो वो जो है आपको हेल्प आउट करती हैं चीज़ें. जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो आपको वो जहन नशीन हो जाती हैं, वो याद हो जाती हैं. सिर्फ आप किसी को पढ़ जाएं, स्कीम कर जाएं, तो वो 25% 40% याद रहती है. जब आप लिखते हैं तो 80-90% जो है वो चीज़ आपको मेमोराइज हो जाती है या याद रहती है आपके जहन में. Every technology is disruptive in nature. The same is the case with computer technology. It has no doubt made our lives very comfortable, but one negative fallout is our too much dependence on it as a tool for storage of information. Consequently, we are relying less and less on handwritten notes. Believe me, writing your notes by hand, no doubt time consuming and laborious, is still worth the time and effort. Get hold of 10 to 12 copies, one copy for each subject including essay. In every subject there are normally 20 to 25 topics which are very important. Write now in the copy for that subject, write the title of first topic and leave next 4 to 5 pages blank. Then write the next topic, leave the next 4 to 5 pages blank. Do it for all subjects. When you are studying or doing an internet search, as soon as come across a good point, write it under the relevant topic. These copies will be very helpful in the revision and during the examination days. So, handwritten ka jo hai, jo itni importance hai. तो आप भले आजकल की कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब आपको पता है कि ज़्यादा से 20 से 25 टॉपिक जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में सीएसएस में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25, इससे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते टॉपिक्स. तो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो अपने नोट्स बनाते हैं, वो अब कोई कॉपी हर सब्जेक्ट की एक कॉपी या एक रजिस्टर ले लेते हैं. उस रजिस्टर में जो है वो उस सब्जेक्ट के जो है वो 25 जो है वो टॉपिक्स लिख लेते हैं. लिखने से क्या होता है, एक तो वो चीज़ सिक्योर हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, आपके बुक फॉर्म में जो है वो आ जाती है कॉपी में. और जब 20 से 25 आप लिखते हैं वो हमेशा के लिए आपके पास चीज़ होती है, आपके हाथ के लिखी होती है, आपको समझ में आती है. तो जब आप दोबारा रिवीजन करते हैं पेपर के दौरान या पेपर से पहले, पेपर के दौरान तो नहीं लेकिन पेपर से पहले जब जो नाइट होती है
जो आप रिवाइज करते हैं तो वो एग्जैक्टली वो चीजें जो है आपके जहन में आ जाती हैं उस सब्जेक्ट की, तो वो सुबह में जो है पेपर सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं सेकंड अटेम्प्ट भी करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट भी करते हैं सीएसएस के, तो वो मटेरियल जो है उस कॉपी में लिखा होता है वो मटेरियल पड़ा रहता है, और उसको जो है फिर वो ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जो है बाद में जरूरत नहीं पड़ती, और आसानी से जो है सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट दे देता है स्टूडेंट और अच्छे ग्रुप में चला जाता है। सेवेंथ और लास्ट जो है वो टेक्निक है एग्जाम देने की सीएसएस की, वो कंकरेंट स्टडी है। कंकरेंट स्टडी ये कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, सुबह जितने 10 से 15 घंटे आप स्टडी करते हैं या 8 घंटे करते हैं या 5 घंटे करते हैं, तो आप एक टाइम टेबल बना लें। आप सुबह में आप सपोज करें एसए की तैयारी करते हैं, सुबह जाके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद तो जो है कंपोजिशन की तैयारी करते हैं, उसके बाद एसे को टच करते हैं, उसके बाद आप करंट अफेयर को देखते हैं, पाकिस्तान स्टडी, मतलब ये कि आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक पढ़ लें, डेली एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ लें, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को जो है पैरेलल चलाएं। ऐसा नहीं कि एक माह जो है दो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, फिर नेक्स्ट मंथ जो है फिर दो और पढ़ लिए, फिर और पढ़ लिए, इस तरह क्या होगा कि जो जिस टाइम पे दो आप पढ़ रहे हो वो आपके जहन में होंगे, लेकिन जो प्रीवियस आप पढ़ते आ रहे हैं वो आप भूलते जाएंगे, फिर आपको जो है वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर जो तरीका है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को जो है भले एक एक टॉपिक पढ़ लें, डेली बेसिस पे उनको चलाएं। चलाने से क्या होगा कि वो सारी चीजें जो है वो टाइमली आपको याद रहेंगी, सब सब्जेक्ट्स की 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये एक जो है वो मेथड होता है, लास्ट मेथड ट्रिक होती है सीएसएस को टैकल करने की, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे दो उठा लेते हैं, फिर दो और, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है, तो जैसे वो करते हैं ऐसे तो जो पिछले सब्जेक्ट्स होते हैं वो लोग भूलते चले जाते हैं, फिर जब उनकी बारी आती है तो फिर वो दो याद रहते हैं, फिर अगले जो है वो भूल जाते हैं। तो ये एक जो है अनसक्सेसफुल जो है वो एक एक मेथोडोलॉजी है। आपको अगर सक्सेसफुल रहना है तो आप टाइम टेबल बनाएं 1 घंटे का, 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट का, इस तरह 8 से 10 घंटे जो है आप जो एक टाइम टेबल बनाएं डेली बेसिस पे और सारे सब्जेक्ट्स को चलाएं, तो ये जो है वो इसमें स्टूडेंट्स का जो है वो सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है। तो इसी को जो है कंकरेंट स्टडी जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है वो आज का हमारा टॉपिक था। सीएसएस सीरीज में मेरा दूसरा लेक्चर था, पहला सीएसएस क्या है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल निसार आयर इंस्ट्रक्टर पे रखा है, और दूसरा जो है वो सीएसएस की जो है प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसके ट्रिक्स और टेक्निक्स बताएं, कौन से जो है वो मटेरियल जो है वो पढ़ा जाए वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सीएसएस का जो आईएआर का पेपर है 200 का, अब तो 200 का है, तो उसको जो है कैसे जो है वो लिखा जाता है, टैकल किया जाता है। तो मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, तो बहुत सारा आपको फायदा और बेनिफिट होगा जो सीएसएस एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं उनको।